मेयर के किशनगढ़ में गुंदोलाव झील को लेकर विधायक सुरेश टांक के प्रयास रंग लाए। विधायक सुरेश टांक ने झील के किनारे 1.5 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास कर शहरवासियों को सौगात दी है, जिसको लेकर शहरवासियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। वहीं शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय महाविद्यालय के सामने सिटी रोड पर किया गया, जहाँ झील के किनारे पर चौपाटी का निर्माण होगा। साथ ही वॉल हाईलाइटर्स, वॉल डेकोरेशन, हेरिटेज आर्टिकल्स, पाथवे वॉक के लिए ट्रैक और गार्डन विकसित किए जाएंगे। शहर की जनता को समर्पित है। जब मैं सभापति था तब भी ये सपना था, और मुझे ऐसा लगता है कि जब मुझे विधायक बनाया था तो मैं शहर की जनता का सपना भी ये था कि कोई एक व्यक्ति आएगा, इस गुंदलाव झील को भी अपना रूप देगा। तो एक छोटा सा प्रयास है, इस छोटे से प्रयास की एक बड़ी थोड़ी आहुति है, जिसको मैं शुरुआत के तौर पर देख रहा हूँ कि एक शुरुआत है। शायद मैं सोचता हूँ कि एक एक बूंद से घड़ा भरता है, वो कहावत यहाँ चरितार्थ होगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि ये गुंदलाव झील जैसा रूप लेना चाह रही है, वो टाइम शुरू हो गया। और अभी तो 1.5 करोड़ रुपए एमएलए लेट से लग रहा है, इसमें 50 लाख रुपए जनसहयोग से लगेगा, जिससे फ्लोटिंग फाउंटेन इसमें लगेगा, ताकि हमारे शहर के लोग भी पानी में पानी की अटखेलियों को देख सके, लाइटिंग शो देख सके। और इस शो को हम लगातार हर साल बढ़ाएंगे कि ये 2, 3, 4, 5 में कन्वर्ट हो, और ऐसे अलग अलग तरह के शो लोगों को देखने को मिले, और हमारे बुजुर्गों को, हमारी महिलाओं को, हमारी गृहिणियों को, हमारे बच्चों को, हमारी जो पढ़ने वाली छात्राएँ हैं, छात्र हैं, उन सबको एक ऐसा वातावरण खुला मिले जहां वो खुली सांस ले सके और कभी वो प्राउड फील कर सके कि हमारे पॉलिटिशियन ऐसा काम भी सोच सकते हैं और कर भी सकते हैं।